हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेटर, जो कि ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पढ़िए, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन आपका आता है राइट अ लेटर, यानी कि एक पत्र लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी यानी योर लोकेलिटी यानी आपके क्षेत्र में, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि बिजली आपूर्ति, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि हो रही कटौती, ठीक। और लिखना किसको है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक। हमारे जो सिटी के जो मजिस्ट्रेट हैं यानी DM हैं, उनको क्या करना है, हमें एक शिकायती पत्र लिखना है उनका ध्यान खींचते हुए, किस तरफ, जो बिजली आपूर्ति की जो हो रही कटौती है उनका ध्यान खींचते हुए हमें एक शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है, आप चाहें तो एप्लीकेशन टाइप में लिख सकते हैं कि टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनका एड्रेस सबमिट करके कर सकते हैं। और अगर आपको लेटर लिखना हो तो लेटर में कैसे लिखा जाता है, लेटर में क्या करना होता है कि जो जैसे DM ऑफिस है तो उसका एड्रेस आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप पुलिस कमिश्नर को कोई शिकायती पत्र लिखते हैं तो भी आप एड्रेस से ही स्टार्ट करते कि उनका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस, जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे ही आपके यहाँ पे जो भी ऑफिस हो, DM ऑफिस, आप वहाँ यहाँ पे उनका एड्रेस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डेट डालनी होगी, पहले एड्रेस डालना है फिर डेट डालना है। और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं तो यहाँ पे उन वो लिख दीजिए, ठीक है। और आप DM ऑफिस के लिए लिख रहे हैं तो वो लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमें एड्रेस की, कि हम किसको ये पत्र भेज रहे हैं, सेंडर एड्रेस, ठीक है। आगे आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट डालना होगा। सब्जेक्ट डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ठीक है। हमने तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे दिखा दिया, बट क्या होगा कि आपका ये पेपर में दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, बोर्ड एग्जाम में केवल आंसर लिखे जाते, क्वेश्चन नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन में ये जो आप जिस प्रॉब्लम की वजह से ये पत्र लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी हमारा विषय क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी विद्युत की जो आपूर्ति है उसकी जो समस्या है उस पर आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विषय हो गया। लिखना कैसे है, लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सर, सर यानी कि अगर आप हिंदी में लिखते तो महोदय लिखते, ठीक है, और इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको सर लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमा लगा देना है और एक लाइन छोड़ देना है। कॉमा के बाद आपको जो भी लेटर लिखना है कॉमा के इस साइड लिखना है, ठीक है। इस साइड आपको नहीं आना है, ठीक, कॉमा के इस साइड पूरा पूरा लेटर लिखा जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो पढ़िए, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। रेसिडेंट यानी मैं निवासी हूँ, आई एम अ रेसिडेंट, मैं निवासी हूँ ऑफ किदवई नगर कानपुर, मैं किदवई नगर कानपुर का एक निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। राइटिंग अ लेटर, राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। यू टू शो यानी आपको दिखाने के लिए द प्रॉब्लम, समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। अवर लोकेलिटी यानी हमारे क्षेत्र की इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी विद्युत आपूर्ति, ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी हो रही कटौती। तो यानी कि अगर हम पूरा वर्ड पढ़ें तो मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ दिखाने के लिए कि हमारे जो क्षेत्र की जो बिजली की सप्लाई है उसमें जो हो रही कटौती है, इस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण मुझे यह पत्र आपको लिखना पड़ रहा है। आगे कैसे लिखना है, वी आर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, हम बहुत ही कठिन समस्या में है। डिफिकल्ट सिचुएशन यानी हम बहुत ही गंभीर समस्या में है, कठिन समस्या में है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट टू द रोड इंक्रीजेस इन डार्कनेस, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम बहुत ही कठिन समस्या में है, क्योंकि इससे होगा क्या, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये जो एक्सीडेंट्स के चांसेस है यानी जो सड़क की दुर्घटना है, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिजली की इस प्रकार हो रही आपूर्ति, जो कटौती हो रही है ना, इसकी हो रही कटौती के कारण जो एक्सीडेंट की समस्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। टू द रोड इंक्रीजेस इन द डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे में क्या होगा, जो हमारी सड़कों में है उस सड़क दुर्घटनाओं के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए,
स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और इससे होगा क्या, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी वर्ग के बच्चे हैं उनकी भी, उनकी जो पढ़ाई है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है, स्टडी प्रॉपरली वो भी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है रात के काम के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, इससे बच्चे भी ठीक तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। आई वॉन्ट टू टेक, मैं चाहता हूँ कि आप लें, ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन, तत्काल कार्रवाई, जिससे क्या हो, सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो कि बिजली आपूर्ति विभाग है, वो इसमें कोई कार्रवाई कर सके, जिससे हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में जो बिजली की हो रही कटौती है, इसकी समस्या का कोई ना कोई हल निकल सके, ठीक है। आई शैल बी अर्ली एगर्ली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, हम और हमारे जो क्षेत्रवासी हैं इस पर कार्रवाई के लिए आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे, मैं आपकी इस प्रक्रिया पे कार्रवाई के का बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर लिखा जाता है, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, और नीचे एक्स वाई जेड कर देना है, आप चाहें तो यहाँ पे ए बी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र लिखा जाता है, और वाटर सप्लाई के लिए भी आ जाए तो भी क्या करना है, आपको अपने शब्दों में बना बना के इसी टाइप से लिखना है, विषय पे आप क्या कर देना, वाटर सप्लाई कर देना, ठीक है, और वो प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है, तो कुछ इसी टाइप से वो लेटर भी आपको लिखना है। तो आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बिजली की हो रही कटौती पर लेटर लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।